अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नवीद शहजाद अहमद है। मैं फेलो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ और मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि ईद के दौरान जो है हमारे डायबिटीज़ के मरीज़ जो है वो किन हदायात पर अमल करें ताकि उनकी शुगर में कोई रद्दो बदल ना हो और वो ईद भी हंसी खुशी गुजार सकें। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, क्योंकि ये मीठी ईद है तो लोगों को चाहिए वो बिला वजह मीठा ज़्यादा ना खाएँ। लोगों के घरों में सेवैयाँ बनती हैं, मिठाइयाँ आती हैं और इसी तरह के तरह तरह के मीठे बनते हैं, तो वो चाहिए, उनको चाहिए कि वो इससे परहेज़ करें, कोशिश करें कि इसको ना लें। दूसरी जो अहम चीज़ है वो ये है कि बिला वजह जो है वो ज़्यादा खाना नहीं है। जैसे लोग रोज़े रख रहे होते हैं, वो रोज़ों के बाद पहला दिन होता है, लोग कहते हैं कि 3 से 4 दफ़ा खाना खा लें, तो इस तरह ज़्यादा जो है वो खाना ना खाएं और उसमें इतदाल पसंदी अख्तियार करें। तीसरी जो अहम बात ये है कि वो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि गर्मी का मौसम है, लोग बाहर फिरेंगे भी और इसी वजह से गर्मी में जो है वो पानी की कमी होने का जो है वो बहुत ज़्यादा अंदेशा होता है, और जब पानी की कमी होगी तो शुगर ज़्यादा होने का अंदेशा होगा और मरीज़ निढाल हो जाता है। जो चौथी चीज़ है वो अहम है कि जो है वो स्नैक टाइम ना बढ़ाएं। आमतौर पर होता ये है कि जैसे ही रमज़ान ओवर हुआ, रमज़ान ख़त्म हुआ, तो लोग जो है वो खाना पीना ज़्यादा कर देते हैं, बार बार खाना लेते हैं, इसमें भी इतदाल पसंदी इख्तियार करें। पांचवी जो अहम चीज़ है वो ये है कि अपनी दवाइयाँ रेगुलर जारी रखें, अपनी दवाइयाँ वक्त पर लें, जैसे आपके मालिज ने आपको कहा है वैसे दवाई लें, और अगर इंसुलिन ले रहे हैं तो इंसुलिन में बिल्कुल कमी ना करें, ठीक है, इंसुलिन बिल्कुल रोकें भी ना। लोग ये करते हैं कि या तो रोक देते हैं या मीठा खा लिया तो 3 से 4 यूनिट बढ़ा दिए, खुद से बढ़ाना भी नहीं है और अपनी शुगर को कंट्रोल में रखना है आपने। इसके अलावा जो अहम चीज़ ये है कि आपने अपने जो है क्या कहते हैं, इस दौरान अगर आप सैर कर सकते हैं तो सैर भी करें, ठीक है, और वॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो सबसे आखिरी जो अहम पैगाम ये है, क्योंकि आजकल कोरोना बहुत ज़्यादा अरूज पर है, कोरोना अपने जो है वो इस वक्त पीक पर है पाकिस्तान में, और लॉकडाउन में भी नरमी कर दी गई है, आप एक दूसरे से मिलें ज़रूर, मेल जोल में जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग इख्तियार करें, एक दूसरे से घुले मिले ना, ताकि कोरोना को पनपने का आपके दरमियान जो है वो मौका ना मिले। उम्मीद है ये ईद आपके लिए मज़ीद खुशियाँ लाएगी। अल्लाह आपका हामी नासिर।